3 महीने घर से बाहर बिताने के बाद अब समय आ गया है वापस घर जाने का। आ गए हम लोग बेंगलुरु एयरपोर्ट और ये मैं खा रही हूँ KFC, बिकॉज आई हैव मोशन सिकनेस, तो मैं घर से कुछ भी खा के नहीं चली थी। तो ये एक ड्रॉबैक है अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और ख़ासकर एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो फूड अपना साथ में कैरी कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू विल गेट योर नेक्स्ट मील। और ये हमारे साथ भी हुआ। हमारी फ़्लाइट पहले तो बार बार गेट चेंज करते रहे इंडिगो वाले, कभी 17 पे जाओ कभी 3 पे जाओ, और फाइनली एट द लास्ट मोमेंट जब बोर्डिंग का टाइम हुआ तो उन्होंने अनाउंस किया कि फ़्लाइट हो गई है कैंसिल वेदर ख़राब होने की वजह से। रांची में काफ़ी वेदर ख़राब हो गया था, कुछ लोगों को इंडिगो वालों पे भरोसा नहीं हुआ, उनका कहना था कि नहीं वेदर अच्छा है आप फ़्लाइट उड़ाओ, और इस चक्कर में जो लोग रिशेड्यूल भी कराना चाहते थे उनको भी उन्होंने गेट से निकलने नहीं दिया। काफ़ी झगड़ा हो गया था वहाँ पर इंडिगो के स्टाफ से, CISF वालों को बुलाना पड़ा था, और शायद एक महानुभाव थे हमारे साथ जो कि मे भी कोई ऑफिसर रहे होंगे, तो वो काफ़ी झगड़ा कर रहे थे। इस चक्कर में एटलीस्ट हमें 2 घंटे तक इसी तरह गेट पे खड़े रहना पड़ा। काफ़ी समझाने के बाद वो लोग अग्री हुए कि चलो फ़्लाइट रिशेड्यूल आप कराओ। फाइनली वी वेंट फॉर रिशेड्यूलिंग, और कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट फिर रांची के लिए अवेलेबल नहीं थी, तो हमें मिली कनेक्टिंग फ़्लाइट जिसमें कि 6 घंटे का लेओवर था कोलकाता में। तो हम लोगों ने कनेक्टिंग फ़्लाइट ली बेंगलुरु टू कोलकाता, एंड देन इन द मॉर्निंग देयर वाज फ़्लाइट फॉर कोलकाता टू रांची। जब भी आपकी फ़्लाइट कैंसिल होती है, डिले होती है या रिशेड्यूल होती है, तो ये एयरलाइंस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको फूड प्रोवाइड करे, लॉजिंग प्रोवाइड करे, और इवन कन्वेंस भी इनको प्रोवाइड करना होता है। लेकिन ये लोग पहले ये प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, ये जो फूड के पैकेट्स इन्होंने दिए, जब हमने पूछा तब इन्होंने निकाल के देना शुरू किया। सो ऐसा होता है कि अगर आप नहीं मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो फूड पैकेट हम लेकर के आ गए और बैठ गए कोलकाता के लिए। इस पैकेट को खोल लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, 2 स्नैक्स थे, एक ओट मिल कुकी थी, एक नट्स का छोटा सा पैकेट था और एक गुआभा ड्रिंक था। इसको मंच करते करते हम लोग कोलकाता पहुंच गए, बहुत खुशी हो रही थी। 10 बजे हम लोग कोलकाता पहुंच चुके थे, लेकिन अब यहाँ हमें वेट करना था सुबह 6 बजे तक, क्योंकि अगली फ़्लाइट हमारी सुबह 6:15 बजे थी। रात के इस वक्त कोलकाता एयरपोर्ट बिल्कुल सुनसान था, कोई भी नहीं था, लेकिन देखो मुझे कौन मिलने यहाँ पे आई। ये कॉर्नर में बैठी थी और जैसे मैंने इसे देखा ये दौड़ते हुए मेरी तरफ चली आई, छोटी सी क्यूट सी किटन। और इतना अच्छा और स्पेशल फील हो रहा था ना कि सारी फ्रस्ट्रेशन सारी डिसअपॉइंटमेंट बस छू हो गई। ये बिल्कुल इस तरह से मेरे पास आ गई थी जैसे मुझे कई दिनों से जानती हो। मेरा तो मन कर रहा था इसको अपने साथ ले आऊँ, लेकिन इसको मुझे वहीं पे छोड़ना पड़ा। मैंने इसको कुछ बिस्किट्स खिलाए और बहुत ही प्यार से खा रही थी और ये परिंग कर रही थी, परिंग वाली साउंड निकाल रही थी। तो कुछ देर तो इसके साथ बहुत ही अच्छी कट गई हमारी। फिर 1-2 घंटे हमने कुछ सीरीज़ देखा नेटफ्लिक्स पे और चले आए सिक्योरिटी चेक इन के लिए। सबसे बड़ी मुसीबत यही होती है कि जब भी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो हर बार सिक्योरिटी चेक इन करानी पड़ती है। इसीलिए अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट हो तो कोशिश करें कि कैरी लगेज जो हो वो कम हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चूँकि हमारा ज़्यादा था तो बार बार उसको निकाल करके चेक इन कराना पड़ता था, तो ये एक अलग हेडेक थी हमारी। किटन के साथ कुछ टाइम हमारा अच्छा निकल गया और थोड़ी बहुत जो फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट थी वो भी एक हद तक कम हो गई। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो बेटर है कि चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस आपको लेके चलने चाहिए। जैसे कि अगर आप विंटर्स में टिकट बुक करा रहे हैं तो 5 to 10 days का वेदर फोरकास्ट ज़रूर चेक कर लीजिए अपना टिकट बुक कराने से पहले। हम लोग चूँकि काफ़ी दिनों से बाहर रह रहे थे, गोवा में बिल्कुल अच्छा मौसम था, तो ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि जनवरी में रांची में इस टाइप का वेदर होता है। तो ये देखिए, ये कोलकाता का मॉर्निंग का व्यू था, चारों तरफ फॉग था। काफ़ी देर वेट करने के बाद दोबारा फिर से हमारी फ़्लाइट का टाइम चेंज हुआ, गेट नंबर भी चेंज हुआ। फाइनली 7:15 में हम लोग आ गए अपने बोर्डिंग गेट के पास और हमें बोर्ड कराया गया। लेकिन यहाँ पे अभी वेट ख़त्म नहीं हुआ था, जैसे कि आपको दिख रहा है बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं थी। तो ये छोटा वाला प्लेन हमें मिला था और ये तब तक फ्लाई नहीं कर सकता था जब तक कि प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं हो जाए। तो फ़्लाइट में बैठने के बाद भी हम लोग रेडी नहीं थे उड़ने के लिए, यहाँ पर भी हमें 2 से 3 घंटे तक वेट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत विजिबल था। रांची का एयरपोर्ट
बिल्कुल फॉग से भरा हुआ था। रांची से ना कोई फ़्लाइट उड़ रही थी ना ही वहाँ पे लैंड कर रही थी, तो एक तरह से ये हमारी पहली फ़्लाइट थी जो वहाँ पे लैंड करने वाली थी। फ़्लाइट में भी काफ़ी देर तक बैठने के बाद और वेट करने के बाद पैसेंजर्स में काफ़ी गुस्सा बढ़ रहा था। गुस्से को शांत करने के लिए इंडिगो स्टाफ ने फिर से हमें एक स्नैक का पैकेट दिया, सेम वही वाला जो इन्होंने रात में दिया था। और थोड़ी देर के बाद ब्रेकफास्ट का जब टाइम हो गया तो इन्होंने एक सैंडविच प्रोवाइड किया, पनीर टिक्का सैंडविच। टेस्ट काफ़ी बेकार था नो डाउट, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी लगा, तो चलो कुछ तो खाने को दिया इन्होंने। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया था। फाइनली 9:30 में फिर से वेदर अपडेट आया कि अब फ्लाइट उड़ सकती है, रांची में विजिबिलिटी हो गई है। फाइनली हम लोग टेक ऑफ के लिए रेडी हो गए। ये वाला प्लेन देख करके तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, इसके पंखे बाहर बाहर थे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का प्लेन लग रहा था ये। खैर फ्लाइट में टर्बुलेंस नहीं थी और हम लोग सेफली लैंड कर गए। इस जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। जब आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं तो ऐसा हो सकता है कई बार कुछ चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। ऐसे सिचुएशंस में कई बार लोग स्टाफ से अच्छे से बिहेव नहीं करते, जैसे कि वो अंकल बार बार बदतमीजी से बिहेव कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनके भी कंट्रोल में कुछ नहीं है। अगर ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं तो वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, दे आर ऑल्सो एम्प्लॉई और वो भी इंसान है, उनके साथ हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। Thank you.